बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई और वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देख और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पाँव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। नैतिक शिक्षा, कर भला हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसकी दोस्ती नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ से हो गई। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बंदर नदी की सैर करता। बंदर बदले में मगरमच्छ को जामुन खिलाता और उसकी पत्नी के लिए भी जामुन भेजता। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा बंदर का कलेजा खाने की हुई। उसने मगरमच्छ को कहकर बंदर को अपने घर बुलवाया। घर जाते समय मगरमच्छ ने बंदर को सच बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है। ये सुनकर बंदर मगरमच्छ की चाल समझ गया और उसने मगर से कहा, भैया मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे पेड़ पर ले चलो। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ पेड़ की तरफ मुड़ गया और जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुँचा, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई।